नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिजल्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि 3 तारीख को है नोटिस जारी किया गया था कि 4 दिसंबर दोपहर 2 बजे रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यह घोषणा की गई थी, लेकिन आज यह उन लोगों ने नहीं किया क्योंकि रिजल्ट नहीं डाला है। किसी को पता नहीं है क्यों रिजल्ट नहीं डाला था। दोस्तों, उन लोगों ने 4 तारीख को रिजल्ट तो नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने कट ऑफ डाल दिया। यूपी बोर्ड वालों की तरफ से यह कट ऑफ जारी किया गया है, जो कि फाइनल कट ऑफ यहाँ पर रहेगा। दोस्तों, चलते हैं देख लेते हैं क्या क्या आया है इस नोटिस में, इसमें जिसमें कट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप पढ़ने के लिए आप यहाँ पर जाएगा, जो यह नोटिस जारी किया गया है सूचना यह है रहेगा कट ऑफ। दोस्तों, इसके लिए आपको डाउनलोड करना, जैसे आप इस पर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने है इसका ऑटोमेटिक ही डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल से अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको यह दिख रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। 4 दिसंबर 2018 को यह जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि एकताओं के अनुसार केवल 1.5 गुना अभ्यर्थियों को ही अभिलेख की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाया जा रहा है। ठीक है, केवल 1.5 गुने को ही यहाँ पर बुलाया जा रहा है। उनके हिसाब से यहाँ पर उन लोगों ने कट ऑफ जारी की है, तो कट ऑफ यहाँ पर देख लेते हैं। कट ऑफ आपके सामने है, देखिए कट ऑफ दोस्तों यह रही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल वालों की रही है 225 कट ऑफ डाली हुई यहाँ पर, और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग वालों की यहाँ पर 216 कट ऑफ रही है। ठीक है, और यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी वालों की कट ऑफ यहाँ पर 187 नंबर पर है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वालों की यहाँ पर 153 कट ऑफ है। ठीक है, कितनी 153 कट ऑफ है केवल यहाँ पर। भाई बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी की, दोस्तों इनकी 60 नंबर पर, और भूतपूर्व सैनिक की 67 नंबर। ठीक है, और दोस्तों महिलाएं जो आरक्षित हैं वह उनके लिए सभी महिलाओं के लिए लिस्ट गई है यहाँ पर 199 यानी कि 199 यहाँ पर लिस्ट गई है सभी फीमेल कैंडिडेटों की। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं आखिर यह इतनी हाई कैसे चली गई। ठीक है, इतनी हाई यानी 225 नंबर बहुत हो जाते हैं 300 में से, और इसमें माइनस मार्क होते हुए भी है 300 में से आपको 225 नंबर पर यहाँ पर लिस्ट जाती है। तो दोस्तों 225 नंबर यहाँ पर बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 225 नंबर आखिर इतनी हाई कैसे चली गई। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपके लिए बता दें, जो यह है नो यहाँ बोर्ड की तरफ से यह कट ऑफ जारी किया गया, यह सभी क्रियाएँ संपन्न होने के बाद जारी किया गया। जितनी भी प्रक्रियाएँ या क्रियाएँ होती हैं वह सभी, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन के आपके नंबर, नॉर्मलाइजेशन के नंबर कटने के माइनस होने के बाद, और प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर माइनस प्लस होने के बाद, यानी कि जितने जितनी शिफ्टों में यहाँ पर पेपर हुए हैं सभी शिफ्टों का रिजल्ट मिलाकर उनको एक लेवल में किया जाता है। जैसे ही एक लेवल में उनका हो जाता है भाई, किसी शिफ्ट के नंबर कम हो जाते हैं तो किसी के यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों उसी के हिसाब से यह नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही है जो कट ऑफ जारी किया गया है, यह कट ऑफ है। तो दोस्तों आप यह मत सोचिएगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप इसमें कोई डिफरेंस आएगा, ऐसा कोई बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपके हिसाब से जो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपके नंबर जैसे बढ़ रहे हैं तो आपके नंबर बढ़ या घट सकते हैं। जैसे आपके 210 नंबर हैं तो आपके 210 नंबर से प्लस भी हो सकते हैं डेट बाय डेट से, जैसे आपका टफ पेपर होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं, और आप इन आंकड़ों को भी छू सकते हैं, आराम से इन आंकड़ों को आप छू सकते हैं। आप यह मत मानिए कि आपके 225 नंबर होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह तो फाइनल कट ऑफ है, यदि आपके नंबर तो आपके हिसाब से है, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप अपना रिजल्ट जैसे ही देखेंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन से जो भी मार्क्स बढ़े होंगे उसका फ़ायदा आपके लिए उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे, यानी कि कुछ नंबर यदि आप कम पढ़ रहे हैं तो आपके नंबर उसमें नॉर्मलाइजेशन का से बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिसके नंबर ज़्यादा कम है उसके ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर यदि कम रहते हैं तो दोस्तों वह पेपर टफ होता है, और जो सा पेपर भी टफ होता है उसके अंक सर्वाधिक बढ़ते हैं। तो आप यह टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, कि इतना हाई कट ऑफ क्यों गया। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो वेबसाइट दी है, यहाँ सूचनाएँ दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो आप यूपीपी की
वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं भी आपको इस प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अपन मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।